नोएडा में हम मौजूद हैं। जनता यहां पर चाय की चुस्कियां ले रही है, इन्हीं से बात करेंगे कि आखिर क्या सोचते हैं कल के उपचुनाव के नतीजों पर। सबसे पहले आप बताइए, योगी अपने घर में ही हार गए, क्यों आपको लगता है? सर मेरा नाम निसार है और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो है वो सेंटर तक ठीक है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में अभी जो होना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। अच्छा, बीजेपी जो हारी है, योगी से नाराजगी है या मोदी से? सर वो बीजेपी को जो की नाराजगी वो योगी जी से है, ना कि मोदी जी से। इसमें योगी नहीं हारा ना मोदी हारा, जो उसके फैसले जो हुए हैं वो गलती हुए हैं। योगी जी के निर्णय एक साल में वो कुछ कर नहीं पाए हैं, तो ये एक साल में उतना प्रभावी काम नहीं, कोई प्रभावी काम नहीं कर पाए। ये जातीय समीकरण की हार है, ना योगी जी की है ना मोदी जी की है। अच्छा, इसलिए ये हारे जातीय समीकरण की वजह से। ना योगी की हार है ना मोदी की हार है, ना हारेंगे आगे, नहीं हारेंगे। अच्छा। जीत जो हुई है विपक्ष की वो इस वजह से भी हुई कि सपा बसपा साथ आ गए, तो क्या एसपी बीएसपी का साथ पसंद है? हाँ ऐसा होना चाहिए, वैसे अगर साथ आते हैं तो हो सकता है कुछ हमको नई चीजें देखने को मिले। हाँ। नहीं लगता ऐसा कि पसंद आएगा, लेकिन आगे आने वाले समय में 2-3 साल में योगी ने बहुत काम करवाया, आगे भी करवाएंगे। ये 2 सीट जाने से इसमें फर्क पड़ेगा। क्यों हारे अपने घर में योगी? उन्होंने वो काम ही नहीं कराया, कुछ काम ही नहीं कराया, काम ही नहीं कराया। आपको इसे एक साल में कि ये काम होना चाहिए था शुरुआत में, जो नहीं तो गड्ढे ही नहीं भरवा पाए, दूसरी बात ये अभी हुआ था एक पंगा जिसमें बच्चे मारे गए थे, उससे बहुत काफी फर्क पड़ा पूरी में, जो ऑक्सीजन वाला हुआ। हाँ अच्छा ये बताइए कि आपको लगता है योगी की हार है या प्रधानमंत्री मोदी की हार? नहीं मोदी की तो हार नहीं है, लेकिन योगी की हार है। हाँ यूपी में योगी आने वाले समय में मुश्किल है, मुश्किल है। कमोबेश यही राय निकल कर आ रही है कि लोग कह रहे हैं कि एक साल में उतने प्रभावी काम नहीं कर पाए। कुछ लोगों का कहना है कि ये एसपी और बीएसपी का जो गठबंधन हुआ उसकी वजह से बीजेपी हार पाई। कैमरा पर्सन सचिन कपूर के साथ जावेद मंसूरी, एबीपी न्यूज नोएडा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।